Hello students, I am Desh Singh, present for the third part of the chapter 1st. In the previous part, we have known about how plants get nutrition and how do plants get nitrogen for their development. Today, we will know about how are nutrients replenished in the soil. सॉयल में न्यूट्रिएंट्स एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा कैसे फिर से फॉर्म होते हैं और ये साइकिल कैसे चलती रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे. हियर यू सी प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल एज दे ग्रो. प्लांट ग्रो होने के साथ साथ सॉयल की न्यूट्रिएंट्स को भी रिमूव करते रहते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड. इस न्यूट्रिएंट्स को री इंट्रोड्यूस होना आवश्यक है सॉयल, सो दैट द सॉयल रिमेंस प्रोडक्टिव. इसलिए कि वो जो सॉयल है वो प्रोडक्टिव बनी रहे. इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, किसान, फार्मर्स यूजली इनरिच द सॉयल बाय द एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. इन दोनों का यूज करते रहते हैं उसमें, जिससे सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहे. डिफरेंस आप दोनों में जानते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स एक बायो फर्टिलाइजर्स भी इसको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक होती है ये. एंड फर्टिलाइजर्स आर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स फॉर्म फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स हमारे क्रॉप्स के लिए ज़्यादा अच्छी होती है और फर्टिलाइजर्स भी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं. These are materials that contain one more of nutrients that plants need. इसमें fertilizers और manures बहुत सारे nutrients होते हैं जो nitrogen के अलावा भी होते हैं और plants को require होते हैं. In a forest where no one goes to add fertilizers, forest में कोई भी fertilizers नहीं डालता है, तो वहाँ के plants कैसे grow करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? ये द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स एंड अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स इनरिच द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स. इसमें बहुत सारे जो डेड लीव्स होती हैं, अदर प्लांट्स जो डेड कर जाते हैं, एनिमल्स ये आफ्टर डेड के बाद उसमें भी सॉयल के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसमें इनरिच द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देते हैं. एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो पहले भी हमने बताया लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है और ये सॉयल के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है उसको अवेलेबल फॉर्म में, जिससे आसानी से प्लांट उसको गेन कर लेते हैं. To making the soil rich in nitrogen. In the next part, we show here a figure which is related to soil. कैसे soils अपने nitrogens को maintain करते हैं और कहाँ कहाँ से उनको ये मिलता रहता है. First, here decomposition of dead and डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज डेड होते हैं, जैसे हमने बताया प्लांट्स, एनिमल्स, ये सॉयल में मिलने के बाद अपना नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें ये मिक्स हो जाता है, जिससे सॉयल इनरिच हो जाती है. सेकंड, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम ये सॉयल में नाइट्रोजन को अवेलेबल कराता है. थर्ड, फर्टिलाइजर्स, इससे भी नाइट्रोजन दिया जाता है सॉयल्स में, और मैन्योर्स. तो ये डिफरेंट टाइप का एक साइकिल आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप से कैसे सॉयल इनरिच होती है विथ नाइट्रोजन. तो ये आपने देखा कि सॉयल कैसे अपने आप को न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड करती है. तो ये सारा प्रोसेस आपने देखा. इस तरह से ये चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ पे एंड होता है. लेकिन
आप इससे रिलेटेड ये जो कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके क्वेश्चंस का इसमें आंसर भी मिलता है। तो यहाँ आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, जैसे इसमें दिया है सभी का डिफिनेशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, हॉस्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, न्यूट्रिशंस, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, फोटोसिंथेसिस, सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, स्टोमेटा एंड वेसल्स। ये डिफरेंट टाइप के आपको कीवर्ड्स से हेल्प मिलेगी, आप इसको रिमेंबर करेंगे। इसके बाद यू मस्ट नो, इसमें भी आपको इसका समरी, इस चैप्टर का जो समरी है ये इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है शॉर्ट में, तो इसको भी आप रिमेंबर करेंगे। और इसके बाद आफ्टर रिमेंबर दिस यू विल ट्राई टू मेक द आंसर समथिंग टू नो, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, ये आप कंप्लीट करेंगे। पोर्शन ए, पोर्शन बी हियर मैच द फॉलोइंग एंड द थर्ड टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये पोर्शन सी। ये तीनों ही आप पोर्शन कंप्लीट करेंगे और इसको बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे या आपका स्कूल ओपन होने पे भी ये चेक किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर 2।